हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है थिंकिंग। और थिंकिंग का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, सोचना या विचारधारणा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज वी फॉर्म कॉन्सेप्ट। आप बेसिकली कह सकते हो कि थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर जा सकते हैं। इट ऑल्सो एंगेजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। और इसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना डिसीजन दे पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एंड द एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और थिंकिंग जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब इट इज रिलेटेड टू योर माइंड। वट एवर योर माइंड थिंक्स दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव। ओके, थिंकिंग इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच वी मेक यूज ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस, सिंबल्स एंड एटसेट्रा ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द सम स्पेसिफिक पर्पजफुल प्रॉब्लम्स। थिंकिंग एक ऐसा पैटर्न होता है बिहेवियर का जिसके हेल्प से हम पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन में देख सकते हैं वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है। वुडवर्थ ने बताया कि थिंकिंग इज अ मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉर्ट आउट करना है तो आपको अपना मेंटल कैपेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। मेंटल कैपेबिलिटी यूज करके आप उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी है। वुडवर्थ बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं और ये उनकी डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं। नेचर ऑफ थिंकिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस कॉग्निटिव बिहेवियर। नेचर ऑफ थिंकिंग में आप समझ सकते हो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉग्निटिव बिहेवियर का, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार के आकलन का। इट डिपेंड्स ऑन द बोथ परसेप्शन एंड मेमोरी। थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम एंड कंक्लूड्स विद द सॉल्यूशन। थिंकिंग बेसिकली आपकी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और आपके सॉल्यूशन पर जाकर रुकती है। और इसके लिए हम कई सारे ट्रायल और एरर मेथड से भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फोरसाइट, हाइंडसाइट, इट इज़ अ सिंबॉलिक बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर होता है। ठीक है, डायरेक्टेड टू अचीव सम पर्पज, किसी पर्टिकुलर पर्पज होता है। हमें कुछ भी अगर हम सोचते हैं तो उस चीज़ का एक पर्टिकुलर पर्पज होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेड ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। तो ये सारे बेसिकली पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टूल्स ऑफ थिंकिंग में देखेंगे परसेप्शंस, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट, सिंबल एंड साइंस एंड लैंग्वेज। सो वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं। परसेप्शन का क्या मतलब होता है? अ मेंटल इंप्रेशन ऑफ समथिंग परसीव्ड बाय द सेंसेस व्यूड एज द बेसिक कंपोनेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो ये एक तरह से मेंटल इम्प्रेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, जिसके थ्रू हम लोग अपने सेंसेस का यूज करके किसी भी चीज़ को फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और किसी भी चीज़ को देखने के बाद जब हम उस टॉपिक पे अपने विचार देते हैं या उस पर्टिकुलर थिंग में अपने विचार देते हैं, सो दैट इज़ रिलेटेड टू इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग्स वट एवर कम्स इन आवर माइंड, सो दैट इज़ कॉल्ड द थिंकिंग विच कम्स आउट फ्रॉम द इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपकी जब थिंकिंग अच्छी होती है तो आप कॉन्सेप्ट का निर्माण कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। कॉन्सेप्ट इज अ जनरल आइडिया दैट स्टैंड्स फॉर अ जनरल क्लास एंड रिप्रेजेंट्स द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट और इवेंट ऑफ दिस जनरल क्लास। द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सेव्स आवर एफर्ट्स एंड थिंकिंग। अगर देखिए किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो हमारी टाइमिंग बचती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको न्यूटन के सारे रूल्स पता हैं तो आप उनको अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे, और जो गलतियाँ न्यूटन ने करी वो आप नहीं करोगे, यानी आप एफर्ट और टाइम बचा सकते हो अपना अपना।
ठीक है। सिंबल्स एंड साइंस, सिंबल और साइंस का मतलब होता है हर पर्टिकुलर चीज़ का क्या होता है कि एक सिंबल होता है और साइन बनाए जाते हैं। ये सिंबल और साइन हमारे माइंड को डिनोट करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ हमें क्या सिखाती है, ठीक है। एग्जांपल में आप ले सकते हो ट्रैफिक लाइट हो गया, रेलवे सिग्नल हो गए, ये सारी चीज़ें जब हम किसी सिग्नल सिग्नल को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड पे फोकस डालती हैं, सोचने को मजबूर करते हैं कि ये सारी चीज़ें बेसिकली किस चीज़ के लिए बनी हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टॉप लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में हम लोग सीखेंगे इट सर्व्स नॉट ओनली एज अ लिंक फॉर इंटरकम्युनिकेशन बट ऑल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर थिंकिंग। तो लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा वीपन है अपने कम्युनिकेशन के लिए। उसके थ्रू हम किसी के सामने अपना कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है जो बेसिकली हमें ये चीज़ ये सुविधा देता है कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ थिंकिंग। सो देयर इज बेसिकली 5 टाइप ऑफ थिंकिंग: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव एंड लेटर थिंकिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि कई सारे आपके जो थॉट्स होते हैं उन सबको मिलाकर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। तो इस तरह का जो थॉट्स होते हैं, इस तरह के जो थिंकिंग होते हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं, ठीक। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करना, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस ऑन द एजुम्पशन दैट देयर इज वन सिंगल बेस्ट सोल्यूशन फॉर टू एनी प्रॉब्लम एंड ऑल्सो दैट सोल्यूशन ऑफ बी अराइव्ड एट द ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पर फोकस करना कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि टाइप ऑफ थिंकिंग में स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड मूव आउटवर्ड इनटू अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव। तो इस तरह की थिंकिंग में कई सारे उसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ऑल्सो क्रिएटिव थिंकिंग। इट जनरेट समथिंग न्यू और डिफरेंट। दस डाइवर्जेंट थिंकिंग हैव एन ओपन माइंडेड। बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ मोड इन विच अ पर्सन और ग्रुप मेक्स देमसेल्फ ओपन टू न्यू आइडियाज। तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होंगे तो आप हमेशा कुछ नया या कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। ऊपर मैंने सारे आपके फोकस कर ही दिया है कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। आप देख भी सकते हैं नॉन क्रिएटिव पीपल हैव कन्वर्जेंट थिंकिंग होती हैं। जो क्रिएटिव नहीं होते हैं उनके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। जो क्रिएटिव बंदे होते हैं उनके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं। इसमें सिंगल करेक्ट आंसर बताता है, ये आपका मल्टीपल आंसर पे फोकस करता है। स्टिमुलस बॉन्ड होता है, इट इज़ ए स्टिमुलस फ्री होता है, ठीक है। स्टिमुलस फ्री का मतलब होता है, एक तरह स्टिमुलस का हिंदी में मतलब होता है उद्दीपन, ठीक है। तो इसमें स्टिमुलस फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जब कोई स्टिमुलेट करेगा या फोकस करेगा या हमसे कहेगा तभी इस तरह की थिंकिंग हमारे पास आए, ऐसा नहीं, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय नोन एंड कॉमन मेथड। कॉमन और नोन मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज से सॉल्व किया जाता है। ये रिजिड स्टेटाइप एंड मैकेनिकली ऑपरेटेड, इट इज़ ए नोवल एक्सप्लोरेटरी एंड वेंचरसम। तो इस तरह से आप इनके और भी पॉइंट्स देख सकते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट थिंकिंग, लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग असेसेस द वर्थ एंड वैलिडिटी ऑफ समथिंग एग्जिस्टेंस। इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज, प्रिसिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो इसमें बेसिकली प्रिसाइज हो गया, प्रिसिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। व्हेन टीचर्स ट्राई टू गेट सेवरल लर्नर्स टू थिंक कन्वर्जेंट, दे ट्राई टू हेल्प देम डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में जॉन डेवी का कथन है, एक्टिव प्रसिस्टेंस एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ और सपोज फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो इसकी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड दैट
support it and the further conclusion to which it tends. So this is basically a definition which you can write. This is just a higher form of thinking. It aims of solving complex problems. तो एक तरह से कह सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा हायर फॉर्म होती है सोचने का. इट एम्स टू एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देयर इज इनसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे इसको. नेक्स्ट है लेटरल थिंकिंग. तो लेटरल थिंकिंग में क्या होता है? लेटरल थिंकिंग इज अबाउट रीजनिंग दैट आइडियाज दैट मे नॉट बी ऑप्शनेबल बाई यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल स्टेप बाई स्टेप लॉजिक. तो लेटरल थिंकिंग जो बेसिकली होती है आपके रीजनिंग बेस्ड होती है. ठीक है, ये आपका स्टेप बाई स्टेप ट्रेडिशनल मेथड पर ही टोटली बेस्ड नहीं होती है. इसमें आपको खुद की भी ओन थिंकिंग यूज करनी पड़ती है. ठीक है, और ये दिनों की डिफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं. जब मैथड ऑफ थिंकिंग कंसर्न्ड विद चेंजिंग कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन. सो थाट्स और कॉन्सेप्ट और परसेप्शन में चेंज होने के साथ ही ये थिंकिंग ह्यूमन बींग के अंदर जनरेट होती रहती है. लेटरल थिंकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप स्किल टू इंक्रीज. अब ये चीज़ें देख सकते हैं कि लेटरल थिंकिंग होती है ये किसी पर्टिकुलर इंसान में किन किन चीज़ों पर फोकस करती है. तो इंक्रीज प्रोडक्टिव आइडियाज आउटपुट डिजाइन द फ्यूचर फाइंड फ्रेश एंड सोल्यूशन टू इंट्रेक्टेबल प्रॉब्लम्स एस्केप टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रूटीन थिंकिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. बेसिकली इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक वेरी इजली कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स. सो बेसिकली इन दिस टॉपिक ओनली दिस 7 स्लाइड्स आर देयर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.